इस चैप्टर में इन्होंने सबसे पहले तो ये बात बताई है कि जी हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द विज़िटर, के विज़िटर से जो है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी कैसे है। अच्छा, ऑब्वियसली वो फॉर्म के ज़रिए विज़िटर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में जब फॉर्म आप फिल कर रहे होते हैं तो आप अपना कोई ना कोई डेटा उस वेबसाइट को दे रहे होते हैं, ठीक है, उसको कोई ना कोई अपनी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे होते हैं उस वेबसाइट को। अच्छा, अब वो कौन से तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है? मिसाल के तौर पे अगर आप साइन अप कर रहे हैं तो आप अपना नाम और ईमेल बता रहे होते हैं। अगर आप कहीं पे एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उसमें भी अपना नाम, एड्रेस वगैरह और कौन सी क्लास में आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, इस तरह की डिटेल आप उसमें बता रहे होते हैं। अपने प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी उसमें आप दे रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कहीं पे फेसबुक पे कोई पोस्ट आप कर रहे होते हैं तो वो भी असल में आप एक फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, सही है ना। उसमें फेसबुक की पोस्ट में क्या होता है, आमतौर पर थोड़ा सा टेक्स्ट आप लिखते हैं, एक फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, तो ये एक्चुअली आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, सही है। अगर सही मानों में देखा जाए तो ये फॉर्म है और आप उसको पोस्ट करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपने पोस्ट में लिखी थी वो जाके उस फेसबुक के सर्वर पे सेव हो जाती है, बाकी दूसरे लोगों को फिर वो नज़र आने लग जाती है। तो ये हमने देखा कि फॉर्म फिल करने के कुछ जो एग्ज़ैम्पल्स हो सकते हैं। अच्छा, उससे भी सिंपल एग्ज़ैम्पल अगर मैं आपको दूँ तो गूगल सर्च जो है वो क्या है, एक फॉर्म आप फिल कर रहे होते हैं। जब आप गूगल सर्च में कोई भी बात लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो ये आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यूज़र से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है, तो वो बात इसमें डिस्कस हुई है कि ये जो ये वाला प्रोसेस है ना फॉर्म बनाने वाला, ये होगा कैसे, ये बनेगा कैसे फॉर्म। अच्छा, इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो थ्योरी वाली बात है लेकिन बताना ज़रूरी है कि जी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, तो ये चक्कर ये है कि वेब 1.0 और 2.0 का डिफरेंस है ये, ठीक है। ये थ्योरी मैंने डिटेल में सेक्शन बी को पढ़ाई थी, तो वो वाली वीडियो आप ना शुरू वाली देख लीजिएगा, ये जो फॉर्म से पहले वाली वीडियो है, तो वो 20-25 मिनट की मैंने थ्योरी वाली गुफ्तगू की है, तो मैं शायद दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, वो आप देख लीजिएगा वहाँ से जाके। लेकिन मैं ब्रीफली आपको 2-4 जुमलों में बताता हूँ कि वो बात मैंने क्या की थी ना, जो मोटी मोटी बात है वो बता रहा हूँ आपको कि जी वेब 1.0 जो था ना, वो उसमें क्या होता था, आप एक वेबसाइट खोलते थे और आप जस्ट उसको एक पंफलेट की तरह उसको आप देखते थे उस वेबसाइट को, ठीक है। हमने जो शुरू में इंट्रोडक्शन टू जब HTML हम पढ़ रहे थे या इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट जब हम पढ़ रहे थे, तो हम उसमें हमने देखा था कि जी शुरू में वो पंफलेट होते थे और बिल बोर्ड्स होते थे, अखबारों में इश्तहार आते थे, फिर उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो वेबसाइट बन गया। तो उस इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में क्या होता था जी कि एक पंफलेट छप गया, उसमें रेट चेंज नहीं हो सकता, वो पंफलेट लेके मैं घर आ गया, उसमें रेट जो था वो वही रहेगा, उसमें जो प्रोडक्ट्स थे वो वही रहेंगे। लेकिन एक उसी की जगह वो पंफलेट का जो वेब वर्जन है, जो वेबसाइट वर्जन है उसका, उसमें क्या होगा कि जब भी मैं खोलूँगा तो उसमें मुझे फ़्रेश डेटा मिलेगा। वो अगर अपने वेबसाइट पर चेंज कर दे तो जब मैं खोलूँगा तो मेरे पास भी मुझे चेंज हुआ हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये था वेब 1.0। इसमें जो कमी थी वेब 1 में वो ये थी कि मैं अपना इनपुट कोई नहीं डाल सकता था, मैं सिर्फ उसको एक पंफलेट की तरह देखता था तो वो डायनेमिक चेंज खुद से हो जाता था, वो जब वो करेगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें अपनी कोई राय नहीं दे सकता था। मैं किसी प्रोडक्ट को अगर लाइक करना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता था, मैं किसी प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू देना चाहता हूँ, कमेंट करना चाहता हूँ, या मैं उसमें लॉगिन या साइन अप करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन मेरे पास नहीं होता था वेब 1.0 में, ठीक है, जो वेब 1 जिसको हम कहते हैं। तो फिर उसके बाद जो वेब 2 आई तो उसने यही चीज़ उसमें ऐड की, जो ओवरऑल जितनी भी वेबसाइट थी उसमें ये फ़ीचर ऐड हुआ कि यूज़र को उसने इस काबिल बना दिया कि वो अपना इनपुट दे सके, ठीक है। अच्छा, इस वक्त आप जितनी भी वेबसाइट देखेंगे वो तमाम की तमाम आपको वेब 2.0 के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरती हुई नज़र आएगी, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब में आप किसी भी वीडियो पे जाके नीचे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और आपके नाम से वो अपेयर भी हो जाता है पब्लिकली, तो वो आप अपना इनपुट दे देते हैं उसमें, ना सिर्फ आप देखते हैं बल्कि आप उसमें अपना इनपुट भी दे देते हैं। तो ये है वेब 2.0। अच्छा, अगर आप अब नज़र दौड़ाएं ना अपने इर्द गिर्द, तो वेब 1 ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, कोई ऐसी वेबसाइट तलाश करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि जो इसमें वेब 1 हो, सिर्फ 2 वाली कोई चीज़ ना हो, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म, फेमस प्लेटफॉर्म इस वक्त आपको नज़र आते हैं या वेबसाइट्स आपको नज़र आती हैं,
वो तो चलती ही यूज़र के डेटा पे है, जैसे कि यूट्यूब, उसमें वीडियो कौन अपलोड करता है? आपके और मेरे जैसे लोग ही अपलोड करते हैं, और फिर देखते भी आपके और मेरे जैसे लोग हैं। तो इट सेल्फ तो यूट्यूब कुछ खुद तो नहीं अपलोड करता, उन्होंने तो एक वेबसाइट बना के दे दी है कि जी एक आएगा वो अपलोड करेगा, दूसरा आगे उसको देखेगा, फिर दूसरा अपलोड करेगा तो पहला उसको देखेगा। इसी तरह ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म वही प्लेटफॉर्म है कि जी वो आपके जैसा ही कोई बंदा पोस्ट करता है और आप उसको देखते हैं, और आप पोस्ट करते हैं तो बाकी जो आपके दोस्त हैं वो उसको देखते हैं। अगर ये पार्टिसिपेंट्स जो इसमें डेटा पुट कर रहे हैं अपना, अगर इनको माइनस कर दिया जाए फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर में से, तो फेसबुक में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। फेसबुक एक फिर फ्रेम होगा जस्ट, जिसमें कोई फ़ोटो नहीं है। तो ये वेब 1.0 के बाद ये जो 2 आई ना, उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जी यूज़र को हमने इस काबिल बना दिया कि वो अपना डेटा इनपुट दे पाए, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन भी आया, बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन देखने में आया वेब की दुनिया में। और आज जो हम वेब देख रहे हैं कि जी वो दुनिया में लोगों का इंटरनेट के बगैर या वेबसाइट्स के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है? अगर एक दिन के लिए यूट्यूब बंद हो जाता है जस्ट, तो बहुत सारे लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, या एक दिन के लिए अगर ट्विटर पे कोई मसला हो जाता है तो उससे बड़ा मसला होता है। फिर दूसरा ये कि इसका इम्पैक्ट भी बहुत है, इन्फ्लुएंस भी बहुत है, कि जी अगर ट्विटर पे कोई बात हो रही होती है तो उसको मीडिया भी कवर करता है, उससे स्टॉक मार्केट तक को फ़र्क पड़ता है कि जी यार ट्विटर पे ये बात हो रही है, क्योंकि वो लोगों की बात है, अवामी राय है, ठीक है? हम डेमोक्रेसी में अवामी राय पे चलते हैं, तो वो अवामी राय जब एक जगह पे चल रही होती है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट भी है। हालांकि दैट इज़ जस्ट अ वेबसाइट, ठीक है? लेकिन आपने देखा कि जी वो, क्योंकि वो सारा यूज़र का डेटा है, तो यूज़र कौन है? मैं और आप हैं। तो जितनी मेरी और आपकी वैल्यू है उतनी ही उस वेबसाइट की भी वैल्यू हो जाती है, ठीक है? क्योंकि उस वेबसाइट पे वो अगर प्रेसिडेंट कोई ट्वीट करता है तो उसकी फिर बात ही अलग है, क्योंकि प्रेसिडेंट की बात की वैल्यू होती है तो प्रेसिडेंट के ट्वीट की भी वैल्यू है, है ना? तो ट्विटर की, वैसे तो ट्विटर में से आप बंदे हटा दो तो कुछ भी नहीं है फिर। तो ये वेब 1 और 2 का डिफरेंस आ गया। तो हमें जो यूज़र से डेटा कलेक्ट करना है वो हमें इसलिए करना है कि अभी तक हमने जो वेबसाइट बनाई है इस क्लास में वो वेब 1 है। आप अगर सोचें, आपने अभी तक जो वेबसाइट बनाई है इस क्लास में, वो जो यूज़र ओपन करता है वो उसमें अपना तो कोई डेटा नहीं डाल सकता, वो सिर्फ आपका डाला हुआ डेटा देख सकता है। अच्छा, वो देखता है और देख के वो फिर बंद कर देता है। अच्छा, आप फिर उसको चेंज कर देते हैं अगर दूसरे दिन, तो दूसरे दिन उसको वो चेंज हुआ हुआ तो नज़र आ जाता है, लेकिन वो अपना डेटा स्टिल नहीं दे सकता अभी तक जो हमने इस क्लास में वेबसाइट बनाई है। तो जी ये हम यहाँ से अब सीखेंगे। अच्छा, ये क्योंकि HTML हम पढ़ रहे हैं इस वक्त राइट नाउ, तो HTML में हम जस्ट उस फॉर्म को बनाना सीखेंगे। अभी उस फॉर्म को भर के अगर सबमिट करेंगे तो कुछ होगा नहीं उससे, ठीक है? वो हम फिर जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट जब पहुँचेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर हम ये सीखेंगे कि जी फॉर्म फिल करने के बाद जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो वो कैसे सर्वर पे उसको लेके जाना है और कैसे उसको डेटाबेस में सेव करना है, ये हम आगे सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? उस फॉर्म का स्ट्रक्चर सीखेंगे, हम कुछ बेसिक बुनियादी बातें सीखेंगे हम उस फॉर्म से मुताल्लिक। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, फॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं? फॉर्म कंट्रोल ये होता है जी कि अब जैसे फॉर्म की जब बात की जाती है तो आपके जहन में आता है पेपर वाला प्रिंटेड वर्जन ऑफ समथिंग, प्रिंटेड जिसमें खाली जगह छोड़ी हुई है कि आप उसको फिल कर दें, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का तसव्वुर आता है जहन में। तो ये फॉर्म कंट्रोल जो है ना, क्या होता है कि जी वो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हुए जो यूज़र को ना कंट्रोल्ड वे में उससे इनपुट लिया जाए। तो कौन मुझे बताएगा कि पेपर के ऊपर कंट्रोल्ड वे में इनपुट हम कैसे ले रहे होते हैं? बताओ। अरे प्रिंटेड वर्जन में हम करते हैं, वो पूछ रहा हूँ। अभी तो कंप्यूटर वाला हम पढ़ेंगे ना, प्रिंटेड फॉर्म में कंट्रोल्ड वे में इनपुट लिया जा सकता है क्या? क्या बंदे को इस चीज़ पे मजबूर किया जा सकता है कि यार इस तरह से ही भरना है उसको? नहीं किया जा सकता। हाँ भाई, नहीं, एक तो जी वो लिखा हुआ है ना फ़ोन नंबर और आगे डैश लगा हुआ है, तो इसमें वो तो कुछ भी लिख देगा बंदा। फ़ोन नंबर जो है वो 2-3 तरीके होते हैं ना फ़ोन नंबर लिखने के। एक तो होता है +92 करके पूरा इंटरनेशनल फॉर्मेट में, एक होता है जी 03 से शुरू कर दिया 03 करके, ठीक है? तो
तो एक होता है कि जी वो बीच में डैश भी लगा दिया, एक होता है कि जी नहीं वो मिला के लिख दिया। तो अब मुझे ये कंट्रोल्ड वे में क्या मैं इनपुट ले सकता हूँ ये, कि कंट्रोल्ड वे में कि जी वो जो ऐसे ही करके मुझे मिले, कैसे ले सकता हूँ? सही है, बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि जी वो प्रिंटेड फॉर्म में अगर मैं बीच में अगर एक डैश लगा दूं उसके, तो ये तो बंदे को समझ आ जाएगा कि भाई 0302 पहले लिखना है, डैश के बाद बाकी का नंबर लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं उससे भी एक स्टेप आगे जाऊं कि मैं बॉक्सेस बना दूं, 11 बॉक्सेस मैं बना दूं, 4 बॉक्स हो पहले, फिर उसके बाद डैश हो, फिर उसके बाद बाकी के जो भी 6-7 बॉक्स होते हैं वो। तो अब इसका मतलब है बंदे को एग्जैक्टली पता चल जाए, अच्छा है कि ये 0302 लिखना है पहले 4 बॉक्सेस में, और बाकी का नंबर वो डैश के बाद वाले बॉक्सेस में लिखना है। सही है। अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पे ये लिमिट करना चाहता हूँ कि बंदा नाम नाम पूछ रहा हूँ मैं, एक तो मैंने डैश लिखा तो वो पूरा अपना नाम लिख देगा, सही है ना? नाम आजकल बहुत सारे लोगों के लंबे लंबे भी होते हैं, ठीक है, तो वो अपना पूरा लंबा नाम लिख देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार वो एक लिमिट लेना चाहता हूँ नाम में, तो मैं क्या करूँगा? मैं डैश छोटा कर दूँगा क्या? क्या डैश छोटा करने से वो लिमिट में आ जाएगा बंदा? क्या तरीका है कि नाम को मैं लिमिट कर दूँ? कंट्रोल्ड वे में इनपुट लेने का तरीका है, ये प्रिंटेड फॉर्म की बात हो रही है अभी भी, ये अभी वेबसाइट की बात नहीं हो रही। उसमें भी मैं बॉक्सेस बना दूँगा, जैसे जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म भरते हैं या एटीएम कार्ड के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उस एटीएम कार्ड पे नाम लिखने का ऑप्शन होता है, तो वो आपसे बोलते हैं जी आप एक नाम बता दो जो आपके क्रेडिट कार्ड पे हम छाप के दे देंगे आपको। तो उसमें वो क्या होता है कि जी बॉक्सेस बने, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे स्पेस जो होती है लिमिटेड होता है, वो उससे ज़्यादा का कैरेक्टर उस पर छपे ही नहीं सकते, तो छप ही नहीं सकते, तो वो फिर वो डब्बे बना देते हैं कि जी इतने डब्बे में जो लिखना है लिख दो, अब डब्बे से जो बाहर होगा वो काउंट नहीं होगा। तो ये कंट्रोल्ड वे में इनपुट ले लिया, बंदा बोलेगा कि यार अच्छा यार मोहम्मद इंजमाम मलिक तो ये ज़्यादा हो जाएगा कैरेक्टर, तो शायद एम इंजमाम कर देता हूँ मैं, तो इससे तो कंट्रोल्ड वे में इनपुट ले लिया ये हमने, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जी, कि अगर लिखा हुआ है वहाँ पे कि जी मार्शल स्टेटस है ना, तो अब वहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि जी एक पे टिक लगा दें आप कि मैरिड और अनमैरिड, अब ये दो ऑप्शन वहाँ पे दिए हैं। तो हालांकि इसके जवाब तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, कि अभी भाई सिंगल और मैरिड के अलावा भी स्टेटस होते हैं, डाइवोर्स्ड होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सिंग जो क्या होते हैं वो है सेपरेटेड पता नहीं होता है, और भी कई होते हैं। हाँ, जो मार्शल स्टेटस के जी वो, हाँ कि वो बहुत सारे स्टेटस होते हैं। लेकिन अब वो बंदे ने वहाँ पे दो ही खाने बना दिए कि जी मैरिड अनमैरिड, तो अगर कोई डाइवोर्स्ड है तो वो अनमैरिड में लगा देगा, है ना, उसके क्योंकि वो बॉक्स ही दो बने हुए हैं कि जी एक में चेक लगा दो आप, दैट्स इट। और तो कंट्रोल्ड वे में अगर वो मार्शल स्टेटस के आगे डैश लगा देना, तो फिर बंदा जो होगा वो लिख देगा। लेकिन वो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन मुझे दो ही पॉसिबिलिटीज़ में चाहिए जवाब कि जी हाँ या नहीं, कि अभी आप वाइफ है आपके पास या नहीं है, दैट्स इट। या इसी तरीके से और भी जैसे जेंडर आपने पूछना है बंदे से अगर, है ना, तो आजकल आपको पता है मेल फीमेल के अलावा बहुत सारे आइटम चल पड़े हैं मार्केट में, तो वो गोरे तो वैसे वो कहते हैं कि मेल फीमेल, और तीसरा ऑप्शन आजकल देते हैं नॉन बाइनरी, कि मतलब इन दोनों में से नहीं है कुछ तीसरा चौथा है, क्योंकि वो पहले 3 होते थे, पता नहीं 4 होते थे, अभी वो 10 क्रॉस हो गया ना, तो उन्होंने बोला यार 10 नहीं दे सकते हम, तो 3 देते हैं, एक तो देते हैं मेल फीमेल और तीसरा दे देते हैं नॉन बाइनरी। ये आजकल आप वेबसाइट पे आपको कसरत से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आपने मिसाल के तौर पे नॉन बाइनरी नहीं दिया आपने, अगर मेल फीमेल ही दिया आपने, तो ये प्रिंटेड फॉर्म की बात हो रही है स्टिल, ये प्रिंटेड फॉर्म की स्टिल बात हो रही है, अभी हम वेबसाइट की बात नहीं कर रही है। तो वो दो ही ऑप्शन है जी, तो वो उसमें से वो किसी एक पर टिक लगा सकता है बंदा, ठीक है जी। तो अगर वो मतलब उसको वो सवाल पसंद नहीं आया तो फॉर्म फाड़ के फेंक दे, ख़त्म करेगा नहीं तो मतलब इसका मतलब है, तो कंट्रोल्ड वे में हमने देखा कि जी प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर भी ना कंट्रोल्ड वे में इनपुट लेने के तरीके मौजूद हैं, सही है, कंट्रोल्ड वे में इनपुट लिया जा सकता है। यही चीज़ आपको वेबसाइट में भी मिल जाती है,
तो वेबसाइट में जो है ज़रा थोड़ा और मज़ीद इन्हांस किस्म का ना आपके पास टूल मौजूद है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं मज़ीद बेहतर तरीके से और कंट्रोल्ड वे में इनपुट लेते हैं। बाय द वे जेंडर की बात चल रही थी तो आपको वैसे ही मैं एक बात बताता चलूँ कि जेंडर इस्लाम में दो ही होते हैं, सही है। जो दूर से आता हुआ लड़का दिखता है वो लड़के का हुक्म है उसके लिए, और जो दूर से आता हुआ लड़की दिखता है ना वो लड़की का हुक्म है। तो अगर किसी को कोई बहुत ही कन्फ्यूज है कि भाई पता नहीं मैं क्या हूँ, तो वो किसी मुफ्ती साहब से जो भी फेवरेट उनके हैं उनसे जाके वो उनसे फतवा ले कि जी मैं क्या हूँ। तो वो कोई एक ही होता है इस्लाम में, ये जो नहीं तीसरा कोई नहीं होता इस्लाम की नज़र में, दो ही हैं। इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है ये तीसरे किसी जेंडर का। वो डिसेबिलिटी है भाई, लोग बगैर हाथ के भी तो पैदा होते हैं ना, बगैर पैर के भी पैदा होते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो वो दिल में सुराख वगैरह होता है, बहुत सारी तरह की डिसेबिलिटी है, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये काइंड ऑफ डिसेबिलिटी है। आपका कोई ऑर्गन अगर मिसिंग है या कोई ऑर्गन आपका सही से डेवलप नहीं हो पाया, दैट इज़ अ डिसेबिलिटी। लेकिन वो ओवरऑल आप किसी ना किसी में ज़ाहिर है फिज़िकल अपेयरेंस, बहरहाल ये जो भी आपके फेवरेट हैं मौलवी, आप उनसे जाके पूछेंगे जी कि मैं क्या लगता हूँ, मेरे पे कौन सा हुक्म है, तो वो एक तरफ होना पड़ेगा आपको, है ना। वो दोनों के मज़े जो ले रहे होते हैं ना हमारे वाले एक टिकट में दो मज़े कर रहे होते हैं, तो ये इस्लाम इसको एंडोर्स नहीं करता इस चीज़ को ना। तो वेल अच्छा, और ये तीसरे नंबर पे जो चीज़ सिखा रहा है कि जी न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोल्स, कुछ ऐसे फॉर्म कंट्रोल हैं जो अभी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं HTML के ये 5th वर्जन में, तो वो यहाँ पे कुछ ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। आ जाते हैं जी हम, इसने ये एक फॉर्म बनाकर दिखाया कि जी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर अगर आप इस तरह का फॉर्म बनाने के काबिल हो जाएं तो इसका मतलब है आपको चैप्टर समझ आ गया है, ठीक है जी। ये एक क्लासिक फॉर्म इसने बनाया है जिसमें नेम ईमेल इसने पूछा है शुरू में, और सेकंड नंबर पे इसने जो है ना कुछ रिव्यूज़ लिए हैं उससे कि जी वुड यू लाइक टू विज़िट अगेन, योर कॉमेंट्स, इस तरह की दो बातें तीन बातें पूछी हैं इसने, ठीक है जी। तो ये वाई फॉर्म्स में इसने यही वही वाली बात की है कि जी वो फॉर्म इन द फर्स्ट प्लेस है ही क्यों, ठीक है। वो तो यूज़र से डेटा कलेक्ट करने का चक्कर और वेब 2.0 का चक्कर है। अच्छा, ये अब यहाँ से शुरू हो गया ना फॉर्म कंट्रोल्स। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स दैट यू कैन यूज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर टू योर साइट, कि जी वो कुछ सेवरल तरह के हैं फॉर्म कंट्रोल जो अवेलेबल हैं राइट नाउ, फ्यूचर में जाहिर है और भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये। तो टेक्स्ट इनपुट लेते हुए ना कौन कौन सा हो सकता है कंट्रोल, नंबर एक तो जी टेक्स्ट इनपुट है, सिंगल लाइन का जो इनपुट होता है ना उसके लिए सिंपल टेक्स्ट इनपुट के नाम से एक मौजूद है HTML में एलिमेंट। अब वो एलिमेंट आगे अभी बताएगा ये कोड लिख के कि कैसे लिखा जाता है, तो लेकिन एक टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट इनपुट है, उसमें जब आप लिखते हो इनपुट तो कुछ इस तरह का दिखता है, प्लेन टेक्स्ट की तरह का। तो नाम वगैरह के लिए, ईमेल के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा है एक पासवर्ड इनपुट। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होती, पासवर्ड इनपुट वाली जो चीज़ है कि जी आप वो लिखे हो किसी को दिखे ना वो, तो ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होता, ये इसमें ही हो सकता है। तो आप इनपुट में मेंशन कर देते हैं कि ये पासवर्ड वाला इनपुट है, तो क्या होता है कि जब आप टाइप करते हैं तो नज़र नहीं आता कुछ। अच्छा, ये जो नज़र नहीं आना ये यूज़र एक्सपीरियंस का फीचर है इसके, कि जी मिसाल के तौर पर आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, आप दो चार लोग आपके आसपास बैठे हैं, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट वो उसको नज़र ना आए कुछ ना कि क्या टाइप हो रहा है, तो या कोई CCTV वगैरह लगाए अगर तो वो उसमें नज़र ना आए, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस में इस वजह से कह रहा हूँ कि वो एक तो अगर CCTV लगाया तो आपका कीबोर्ड भी तो आ रहा है ना उसमें, तो कीबोर्ड पर दिख जाता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा तो कीबोर्ड पर दिख रहा है या आसपास। हाँ, वो शो भी बना होता है कि वो अगर आप अकेले ही बैठे हैं या आपने इनपुट तो कर दिया लेकिन आप यू आर नॉट श्योर कि वो सही टाइप हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप वो HTML5 के अंदर बिल्ट इन अभी तक नहीं आया, उसको अलग से लगाने का लेकिन तरीका मौजूद है, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट में पहुँचेंगे जब, तो मुझे याद दिलाइएगा मैं आपको बता दूंगा वो कैसे होता है। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस का एक फ़ीचर है। अच्छा, इसी तरीके से टेक्स्ट एरिया के नाम से एक इनके पास एलिमेंट है जो कि लॉन्गर एरिया ऑफ टेक्स्ट आपको बना के दे देता है कि जी वो आप मल्टी लाइन का ना उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं।
तो आपने अक्सर देखा होगा कि जी सम टाइम एक लाइन का आ रहा होता है, आप सब लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं, आप सब लोगों ने ये एलिमेंट्स देखे हुए हैं पहले से, तो एक लाइन का इनपुट टैक्स इनपुट था, ये मल्टी लाइन इनपुट के लिए टैक्स एरिया कहते हैं इसको। अच्छा हाँ, ये सब में लगा सकते हैं कि इतने वर्ड से ऊपर ना हो, हाँ सब में लगा सकते हैं। अच्छा, अब मेकिंग चॉइसेस के लिए हमारे पास रेडियो बटन है, हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं, हमारे पास ड्रॉप डाउन बॉक्सेस हैं। ये तीनों भी आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा हुआ है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मुकाम पे आपने ये देखा हुआ है तीनों। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि ये रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग इंटरनेट तो यूज़ करते ही है ना, रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंट है? मिसाल के तौर पे इसने यहाँ पे भी एक सवाल पूछा हुआ है कि जी आपका फेवरेट म्यूज़िक कौन सा है, तो वो रॉक पॉप जैज तीन ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे भी इसने पूछा हुआ है कि जी आपका फेवरेट म्यूज़िक स्टोर कौन सा है, और तीन स्टोर के नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बता पाएगा? दोस्त कह रहे हैं रेडियो बटन में सिर्फ एक सेलेक्ट होता है, उसमें तीनों हो सकते हैं। तुमने भी यही बात की थी या कोई और बात? तुमने क्या बात की? हाँ बताओ, मुझे आवाज़ नहीं आई असल में तुम्हारी। हाँ हाँ, एक डिफरेंस ये भी है कि वो अपीयरेंस का फ़र्क है, एक तो वो गोल गोल बटन है, ये चेक बॉक्स टाइप के चेक लगा हुआ है, लेकिन वो किसी जगह पे मैं रेडियो बटन लगाऊं या चेक बॉक्स लगाऊं, अब ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? ठीक है, तो एक दोस्त ने कहा कि जी वो एक में एक सेलेक्ट होता है और दूसरे में ना तीनों भी सेलेक्ट हो सकते हैं एक से ज़्यादा, तो कोई और बताना चाहेगा अपना ओपिनियन इस बारे में कि जी रेडियो बटन और चेक बॉक्स में आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये इन दोनों को आपने यूज़ तो किया है कभी ना कभी, आई एम श्योर। अच्छा, एक दोस्त ने ये कहा कि जो है अगर जो है ना रेडियो बटन पे अगर आप सिलेक्शन ना करें तो वो आगे नहीं बढ़ता फॉर्म, और चेक बॉक्स पे अगर ना भी करें तो आगे बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं दोनों को रिक्वायर्ड कर सकता हूँ कि जी चेक लगाओगे तो ही आगे जाएगा, मैं दोनों पे ये कर सकता हूँ। अच्छा, जो दोस्त ने बात की वो बात बिल्कुल सही है, इन्होंने क्या नाम है तुम्हारा? शर्जील। शर्जील ने बात बिल्कुल सही की है कि जी रेडियो बटन में ना एक वक्त में एक सिलेक्शन होती है, एक वक्त में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। चेक बॉक्स में ना एक से ज़्यादा सेलेक्ट हो जाता है एक वक्त में, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे देखो नाम इसका क्या रखा है उन्होंने, रेडियो बटन ना, तो रेडियो अगर पुराने ज़माने वाला किसी ने देखा है, आप लोगों ने तो नहीं मेरे से देखा है, वो नॉब घुमाते थे तो उससे चैनल चेंज होते थे। ठीक है, जब मैं बिल्कुल छोटा सा तो उस वक्त होते थे वो, आप सब लोग अभी मेरे ख्याल नई जनरेशन है तो 2006 में देखा था आपने, गुड यार। तो वो रेडियो होते हैं ना जो, उसमें क्या होता है कि वो जो नॉब घुमाते हैं तो एक वक्त में एक ही चैनल पे आप ट्यून कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पे ट्यून नहीं कर सकते आप। ठीक है, भाई गोल गोल जो है ना उसी नस्बत से बना हुआ है, वहीं से ये बोरो किया हुआ आइडिया। अच्छा, अब अगर आपको दूसरे चैनल पे जाना है ना तो पहले को छोड़ के जाते हैं आप, तो अगर आपने यहाँ पर रॉक सेलेक्ट किया हुआ है तो रॉक से आपने पॉप को सेलेक्ट करना है अगर, तो रॉक को छोड़ के आप पॉप पे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही पॉप पे क्लिक करेंगे रॉक से ख़त्म हो जाएगा वो, एक वक्त में एक ही सिलेक्शन होगी, इसी नस्बत से इसका नाम इन्होंने रेडियो बटन रखा है। ठीक है, जो वॉकी टॉकी वाला रेडियो होता है उसमें भी ऐसा ही है, एक वक्त में एक चैनल पे आप ट्यून कर सकते हैं, दो चैनल आपने चेंज करना है तो एक चैनल को छोड़ के दूसरे पे आप जाते हैं। ठीक है, तो ये रेडियो बटन हमें समझ आ गया। चेक बॉक्स ऑन अदर एंड क्या होता है कि जी आप एक सेलेक्ट कर लें या दो कर लें या तीन कर लें या ना सेलेक्ट करें आप। ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑप्शनल हो सकता है, रेडियो बटन में भी और चेक बॉक्स में भी, दोनों में सेलेक्ट करना या ना करना ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है, वो मेरे ऊपर है कि मैं बोलूं जी आप ये दो ही दो मुझे डेटा या ना दो आप मुझे। सही है, मिसाल के तौर पे फॉर्म फिल करते हुए एक बंदे से मैं कह रहा हूँ कि जी आप ना वो अपनी वो बता दें कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन टीचिंग, है ना, कोई फॉर्म है मिसाल के तौर पर, उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन टीचिंग, साथ में मैंने लिखा हुआ ऑप्शनल प्रिंटेड फॉर्म में ऑप्शनल लिख दिया कि जी आप नहीं भी बताओ तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक में लिखा हुआ है साथ में नहीं जी रिक्वायर्ड,
कि जी बताना ही पड़ेगा आपको, तो ये फॉर्म के किसी भी इनपुट के अंदर ना ये काम मैं कर सकता हूँ, अभी आगे वो आ जाएगा, रिक्वायर्ड करके हम ट्रू करते हैं तो वो रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिक इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ये वाला है। अच्छा, कौन मुझे ये बताएगा अब कि रेडियो बटन का इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए, यानी कौन सा सवाल ऐसा होगा जिसमें मैं रेडियो बटन लगाना ज़रूरी है मेरे लिए, और कौन सा सवाल ऐसा होगा जिसमें मैं चेक बॉक्स लगाऊंगा। कोई एग्जांपल बताओ। अच्छा, दोस्त ने ये बताया कि जी चेक बॉक्स हम वहाँ पे लगाएंगे कि अगर किसी ने मुझसे मेरी स्किल्स पूछी हैं और नीचे चार पांच टेक्नोलॉजी का नाम लिखा हुआ है, तो मुझे अगर चारों आती हैं तो मैं चारों पे चेक लगा दूँगा, या अगर दो आती है तो दो पे चेक लगा दूँगा, ठीक है। लेकिन रेडियो बटन वाली एग्जाम्पल आपकी जो है ना परफेक्ट नहीं है। रेडियो बटन की क्या एग्जाम्पल होगी? हाँ, MCQ टाइप का कोई क्वेश्चन है कि जी वो चार ऑप्शन है, वो चारों में से आपने एक सेलेक्ट करना है, तो वो रेडियो बटन उसके लिए बेस्ट है। उस आप एक ही सही है, उसमें से दो नहीं, आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते, एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई एग्जांपल रेडियो बटन जहाँ पे ज़रूरी है लगाना, रेडियो बटन के बगैर काम नहीं होगा, चेक बॉक्स से वो काम नहीं हो सकता। कोई और एक एग्जांपल, ये एग्जांपल तो मेल फीमेल जो है, मेल फीमेल में रेडियो बटन के अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। मेल फीमेल में एक वक्त में बंदा एक ही चीज़ हो सकता है, ठीक है। या इसी तरह मार्शल स्टेटस जो होगा, तो उसमें जो दो ऑप्शन होंगे वो चेक बॉक्स नहीं होंगे। प्रिंटेड फॉर्म पर तो चेक बॉक्स होता है कि जी आप किसी एक पे चेक लगा दो, लेकिन यहाँ पे ना उसके लिए रेडियो बटन मौजूद है कि जी एक वक्त में ना एक ही स्टेटस होगा बंदे का, ठीक है। या अगर नेशनैलिटी है और उसमें दो ऑप्शन है कि जी पाकिस्तानी या नॉन पाकिस्तानी, तो उसमें एक वक्त में एक ही सेलेक्ट हो सकता है, ये दोनों कभी एक साथ नहीं होगा। तो जिस सिचुएशन में हमारे पास ना पॉसिबिलिटी सिर्फ एक की हो सकती है, वहाँ पे ये एक ही होगा, तो वो रेडियो बटन वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है। बगैर रेडियो बटन के वहाँ पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे आपके पास एक होता है कि जी आप क्लास में अभी भी पढ़ रहे हो कि आपने छोड़ दिया, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, रिलीजन हो सकता है कि जी आप इस्लाम है या आपका कुछ अदर है, इस्लाम या अदर के बीच में एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। आमतौर पर ये दिखता है फॉर्म में हमें, बहुत सारे सरकारी इदारों में या एडमिशन फॉर्म में अक्सर लिखा होता है कि जी आप रिलीजन आपका इस्लाम है या अदर है। वेल, तो ये हमने अच्छे से देख लिया जी कि ये रेडियो बटन और चेक बॉक्स का डिफरेंस हमें पता चल गया, कहाँ पे कौन सा वाला लगेगा हमें ये पता चल गया। अब ज़रा अगले पे आ जाओ, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस। अब कौन मुझे बताएगा कि जी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है ये कहाँ पे लगेगा? हाँ भाई, ड्रॉप डाउन मेन्यू कहाँ लगेगा? लिस्ट लंबी हो, मिसाल देकर समझाएं। हाँ भाई, इनकी बात को मज़ीद कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा या किसी का कोई मुख्तलिफ ओपिनियन? दोस्त ने कहा है कि लिस्ट जहाँ पे लंबी होती है वहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लगाना होता है। तो दोस्त ने कहा कि किसी वेबसाइट पे कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आमतौर पर ड्रॉप डाउन में इन्होंने देखा है। नहीं, क्या मैं वो काम रेडियो बटन या चेकबॉक्स से नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता?
नहीं, मिसाल के तौर पे अगर कंट्री मुझे सेलेक्ट करनी है तो कंट्री में कोई एक वक्त में एक ही सेलेक्ट करता है आमतौर पे, ये ड्रॉप डाउन में भी आमतौर पे ये देखा गया है कि जो अभी बिल्कुल सही दोस्त ने बताया कि जी वो ड्रॉप डाउन में भी आमतौर पे देखा गया है कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन होता है। अच्छा, और रेडियो बटन भी सेम काम कर रहा है, मगर रेडियो बटन जहाँ पे दो तीन ऑप्शन हैं सिलेक्शन के, वहाँ पे तो रेडियो बटन बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होंगे ना 5-6 से ज़्यादा, ठीक है, जैसे कि कंट्री की सिलेक्शन में आमतौर पे 200 कंट्री आ रही होती है, या कोई भी ऐसा ऑप्शन हो सिलेक्शन में जो जिसमें ऑप्शन में 5, 6 या 10 से ज़्यादा आइटम हो, तो फिर वो हमने ड्रॉप डाउन पर ले जाते हैं जो कि क्लीनर वे है। क्या कहते हैं, अगर मैं वो रेडियो बटन में करना चाहूँगा स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा वो जगह ले लेगा, ठीक है। अच्छा, सबमिटिंग फॉर्म में बटन होते हैं आमतौर पे, फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में बटन आ रहा होता है, एक सिंपल बटन होता है, एक इमेज बटन होता है। इमेज बटन का मतलब ये, अभी तो यहाँ पे सिंपल बटन और इमेज बटन ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं किसी भी इमेज को बटन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है असल में कि किसी भी इमेज को मैं बटन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई फ्लावर शॉप है, अब फ्लावर शॉप में उसने वो फॉर्म है, उसने बोला भाई कौन कौन से कलर के फ्लावर डालने हैं, उसने 4 कलर नीचे दिए हैं चेकबॉक्स में, मैंने कहा रेड डाल दो, येलो डाल दो और वाइट डाल दो, ठीक है, 3 सेलेक्ट कर लिए, तो वो तीनों को मिलाएगा फ्लावर शॉप, वो तीनों मिला के बनाएगा मेरा जो बुके होगा। अच्छा, और फिर लास्ट में सबमिट का जो बटन है ना, वो एक बड़ा सा गेंदे का फूल होगा, मे बी सही, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन वो अगर मिसाल के तौर पे कोई ये करना चाहे कि फॉर्म सबमिट के बटन की जगह कोई इमेज लगाना चाहता है वो, तो इमेज बटन उसके लिए काम आएगा, ठीक है। अभी तो इन्होंने जो यहाँ पे इमेज लगाई है वो असल में बटन जैसी दिख रही है इमेज, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं किसी भी इमेज को बटन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक बड़ा सा सूरजमुखी का फूल आ रहा है लास्ट में और उसको दबाने से फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। अब ये अलग बात है कि वो मेक सेंस नहीं है, अब वो बंदे को समझ ही नहीं आएगा कि यार इस फूल को दबाना है ना, लेकिन ये पॉसिबल है। हाँ, ये बहुत अच्छा इसने एग्जांपल दी कि वो समटाइम क्या होता है कि वो कोई डायलॉग बॉक्स खुला हुआ होता है और उसको क्रॉस करने के लिए जो है वो सॉल्ड से क्रॉस बना हुआ होता है, तलवार से क्रॉस बना के वो उसको क्लिक करो तो क्लोज हो जाता है, तो क्लोज का बटन वैसे तो क्रॉस होता है लेकिन सॉल्ड उसमें क्रॉस करके बनाया हुआ होता है उन्होंने। तो इस तरह की कोई एग्जांपल, इस तरह की कोई सिचुएशन जब आए कि जी आपको ना कोई इमेज प्लेस करनी है, बटन नहीं आपने लगाना, तो वो उसमें इमेज बटन का इस्तेमाल होगा। तो एक सिंपल बटन है, एक इमेज बटन है और एक और बटन है जो कि फ़ाइल अपलोड का बटन है कि जी कहीं पे आप चाहते हैं कि जी फ़ाइल को सेलेक्ट किया जाए अगर, तो वो फ़ाइल अपलोड वाला आप लगाएंगे। अब इसका कोड की तरफ आ जाते हैं, अब नीचे जो है ना इसका कोड है जो हम आगे देखेंगे, उससे पहले ये जिक्र कर रहे हैं कि जी हाउ फॉर्म वर्क्स, फॉर्म काम कैसे करता है। तो इन्होंने तो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में बता दिया, मैं भी आपको सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ इससे। देखिए जी, बहुत सिंपल है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं और सबमिट का बटन दबाते हैं तो ये पूरा का पूरा डेटा उठता है, किस फॉर्म में, ये डिक्शनरी की फॉर्म में, की वैल्यू पेयर। अच्छा, मिसाल के तौर पर 3 बातें पूछी आपने, नेम, रोल नंबर, क्लास, 3 बातें पूछी फॉर्म में और फॉर्म सबमिट उसके बाद। अच्छा, तो नेम equals to John, तो की वैल्यू पेयर हो गया, इसको डिक्शनरी ऑर्डर भी कहते हैं, इसको इसको डिक्शनरी फॉर्मेट भी कहते हैं, इसको की वैल्यू पेयर भी कहते हैं, इसको जेसन भी कहते हैं, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं, ये जब हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जी ये जेसन क्या होता है। तो वो बहरहाल वो की वैल्यू पेयर की सूरत में यहाँ से उठता है और किसी एक ख़ास सर्वर पर चला जाता है जो कि मेरा सर्वर होता है ऑब्वियसली, ठीक है, मेरा बनाया हुआ होता है। अच्छा, हम इंशाल्लाह इस क्लास में सर्वर बनाना भी सीखेंगे, तो वो जब सर्वर बनाना सीखेंगे तो हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो वो सर्वर पे जाता है, सर्वर पे जाके अब वहाँ पे उसको मैं प्रोसेस करता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को जो यहाँ से गया है ना मेरे पास से, उसको मैं प्रोसेस करता हूँ। अच्छा, अब वो प्रोसेस किसी भी किस्म का हो सकता है, हो सकता है कि उसको मैं कुछ प्लस माइनस करूँ वहाँ पर जो भी डेटा यहाँ से गया है ना, अभी तो मैंने रोल नंबर, क्लास पूछा है, हो सकता है कोई दूसरी बात हो, फॉर्म में तो कुछ भी हो सकता है, तो कई तरह के प्रोसेस हो सकता है, मैं वहाँ पे प्लस माइनस करके वहीं जवाब दे दूँ, हो सकता है कि मैं उस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करा दूँ,
हो सकता है मैं उस डेटाबेस को किसी दूसरे सर्वर पे भेज दूँ वहाँ से, ठीक है, तो कई तरह के प्रोसेस हो सकते हैं जो मैं सर्वर पे करवाऊँगा। अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली जो भी प्रोसेस होगा, डेटा उठा, सर्वर पे गया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होके एक जवाब आएगा वहाँ से, वो जवाब मैं दोबारा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक टिपिकल एक फ्लो होता है जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से जो है ना फॉर्म स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला आपने खुद से करना है, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये जस्ट इन्होंने क्या किया हुआ है, एक एक फॉर्म कंट्रोल को ना, जैसे टेक्स्ट इनपुट, अब टेक्स्ट इनपुट बनता कैसे है, ये रहा, सही है। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड इनपुट, पासवर्ड इनपुट बनता कैसे है, ये रहा ऐसे। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपको मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपने इस चैप्टर को गो थ्रू करना है नीचे तक, अपने अपने कंप्यूटर पे बैठ के आपने ये काम करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है कि अच्छा टैक्स इनपुट क्या होता है, इसको आपने थोड़ा सा यहाँ से रीड करना है, ठीक है जी, यहाँ पे आप रीड करेंगे, अच्छा ये टैक्स इनपुट ये होता है, और इसका ये कोड जो लिखा हुआ है इसको आपने चला के देखना है, ठीक है। तो आपके पास 10 मिनट का टाइम है जिसमें आपने ये टैक्स इनपुट, पासवर्ड इनपुट, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन और चेकबॉक्स, यहाँ तक आपने ये करके मुझे दिखाना है यहाँ से जाने से पहले पहले, ठीक है। तो ये जल्दी से सब लोग शुरू होते हैं, किसी का कोई सवाल तो नहीं है अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये जल्दी से करें। अच्छा, ये मैं भी लिख के दिखाऊंगा कोड आपको, लेकिन ये ज़रा मैं चाह रहा हूँ आप पहले इसको ज़रा हैंड्स ऑन एक दफ़ा करें,